बड़ा मजा आया मकसूद भाई, 15 साल के बाद बैठो, 15 साल बाद मैं बताती हूँ, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, बहुत खतरनाक है। मेरे जैसे कमजोर दिल के लोग बिल्कुल मत बैठे, मैं बता रही हूँ, मैंने तो आंखें भी नहीं खोली अपनी। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं आप सबको बता दूं, आज है हमारा यहाँ पर 3रा दिन और मैं जा रही हूँ आज अम्मी को लेके फरारी वर्ल्ड। एंड वन मोर थिंग मैं आप सबको बता दूं यार, कल के दिन के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, मेरे पाँव में इतना दर्द हो रहा था, इसलिए सुबह नाश्ते के लिए मैं उठी नहीं, जो कि हमारे नाश्ते का टाइम था 10 बजे तक, और मैं उठी हूँ अभी उठी और अभी मैं रेडी हूँ, और फरारी वर्ल्ड का भी टाइम था हमारा 12 बजे का और अभी बज गया 1:30। तो चलो चलते हैं फिर। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारी आज की फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है फरारी वर्ल्ड। देख रहे हैं आप सबको विद अम्मी जी, बाबर, मकसूद भाई, नासिर और बस मेरी फैमिली ही है और कौन होगा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है। ठीक है, ले लें यहाँ से टिकट्स। हमें टोटल कुछ कितने लोग हैं, 2, 4, 5, 6, 7 हम लोग 8 लोग हैं। तो हम लेंगे यहाँ से 8 टिकट। सबसे पहले हम लें, क्योंकि यहाँ की एंट्रेंस के लिए टिकट चाहिए होगा। अब हम पहले लेंगे टिकट, जो कि ले रही है मारिया। सो गाइस ये इन्होंने मुझे लगाया है क्विक पास, इससे क्या होता है कि हमें राइड्स के लिए ना वेट नहीं करना पड़ता। तो अब हम अम्मी को भी क्विक पास बनवाएंगे ताकि उनको भी वेट नहीं करना पड़े। मारिया ने ऑलरेडी लगा लिया। आ जाए अम्मी, इधर इधर पापा को बुलाना, इधर 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 तो देखें। ओके रख, आपने लगा लिया, इससे ना हमें राइट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। यस, थोड़ी वीआईपी होनी चाहिए ना सर्विस, यू नो, थोड़ा प्रोटोकॉल होना चाहिए, प्रोटोकॉल। अम्मी तो नहीं आ रही थी हमारे साथ तक, क्योंकि हम दो तक गेट वो बैठी है वहाँ पर, तो मैंने कहा मैं ही चली जाऊँ, थोड़ा वीडियो शॉट ले लूँ। करेंगे यहाँ पर लंच, क्योंकि मुझे लगी है भूख, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज मैंने, जैसे आप लोगों को बताया था मैं बहुत थक गई थी कल और मैं लेट उठी। और कि हम यहाँ आए खाना ऑर्डर करने के लिए, तो फाइनली हमने हमारा ऑर्डर दे दिया सबने, वन बाय वन अपना अपना जिसने जो जो खाना था सबने। मैंने ऑर्डर किया अम्मी के लिए सालमन फिश और खुद के लिए पास्ता, बाकी सबने किसी ने पिज़्ज़ा, किसी ने चिकन, सब कुछ ऑर्डर किया। जब टेबल पे आएगा तो मैं सबको दिखाऊंगी। तो हम यहाँ से जाते हैं टेबल पे बैठते हैं और वेट करते हैं खाने का, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। सबने फांटा ऑर्डर किया, क्योंकि मैं पीती हूँ ना, सब ऑर्डर करते मेरा पीते का ये नहीं खाता नहीं दे रहे हैं। सलाद लोग पहले लेके आते हैं, तो सलाद लेते हैं बाद में। और ये मेन कोर्स हमारा भी आया था। फर्स्ट राइड के लिए मैं जा रही हूँ, फर्स्ट राइड के लिए दुआ में याद रखना अगर मैं मर बच जाऊँ तो। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, हमने ना इसमें बैठ के जाना है और ये जाएगा ऐसे, हम सब बैठेंगे लाइन में लगे हैं हम। और अम्मी को मैं इसमें इसलिए बिठा रही, क्योंकि ना अम्मी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा ना डेंजरस है, तो उनके लिए सेफ नहीं है। कैसा था नासिर? बड़ा मजा आया। मकसूद भाई, 15 साल के बाद बैठो, 15 साल बाद बैठे। बाबर कैसा था? मैं बताती हूँ, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, बहुत खतरनाक है। मेरे जैसे कमजोर दिल के लोग बिल्कुल मत बैठे, मैं बता रही हूँ, मैंने तो आंखें भी नहीं खोली अपनी। मैंने अपनी आंखें भी नहीं खोली, मैंने इसलिए आपको नहीं बिठाया था, आप समझ आइए। हाँ, दूसरे हल्के वाले में बिठाऊंगी।
अब हम जाएंगे राइड, ये तो राइड इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक 3D, ये 3D वाला राइड है। अम्मी आ रही हैं बेटे के साथ चल के, आज इनका बेटा है ना तो ये बेटी को भूल गई है। ये ना राइड पे जाने से पहले हमें शो दिखा रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या, और ये लोग सब मेरे साथ। गेम ओवर। ये शो देखने के बाद हम जा रहे हैं भाई अम्मी के साथ, पता नहीं मैं तो पहली बार बैठ रही हूँ इसमें, बैठने के बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि ये कैसा था। कैसा लग रहा है? हम लोग जा रहे हैं अंधेरे में, ओए अल्लाह ये तो बहुत ही अंधेरा हो गया, एकदम अंधेरा हो गया। स्क्रीन पे कुछ आएगा? आएगा तो मैं दिखाऊंगी। हाँ ओके, इट्स अ स्क्रीन। कितना मजे का लग रहा है ना, वाह और ये चश्मा हम इधर दे देंगे। कैसा लगा अम्मी?
अच्छा था ना, मजे का था ना? हाँ कैसा था बाबा? बहुत मजे का था, चक्कर आने लगा। मकसद भाई कैसा था? कैसा था भाई? नासिर कैसा था? बहुत मजे का था, ये पहले वाले राइड से ये वाला बहुत मजे का था। कैसा था मायरा? अच्छा। अच्छा लगा? हाँ। कितना अच्छा लगा? दोबारा बैठे? हाँ? हाँ। दोबारा चले? चलो कल आके आए, कल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, अभी हम आए फरारी फैक्ट्री विजिट में। पता नहीं क्या, मैं तो पहली बार आई हूँ। मुझे हमें देख के, ये भी सेम वैसी ही कोई गाड़ी है, बस बैठ गए हम, देखते हैं बंदर क्या। इन्होंने ना इधर हमें बताया कि फरारी कैसे बनाई है, कैसे बनी है, पूरा उसके बारे में बताया उन्होंने, अबाउट फरारी कार, फरारी ब्रांड कैसे आया, कैसे बना, अच्छा था बस। ओके ओके, पता है मेरे साथ क्या हुआ? ये जो हम फरारी इंटीरियर में गए थे, जहाँ फरारी कैसे बनी बताया, उसमें मैंने पूरी वीडियो बना ली, मैंने लट प्रेस ही नहीं किया बटन, वीडियो ही नहीं बनी मेरी, मेरी वीडियो ही नहीं बनी, इतनी मैं बोलूँ। ओके, तो हमारी अगली राइड है फ्लाइंग एस, तो चलें। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर ना फोन अलाउ नहीं था, लेकिन मैं फिर भी छुपा के ले आई, भाई की बहन जो दिल के मेरे जैसे नाजुक यू नो कमजोर लोग हैं ना, वो ऐसी राइड से मैं नहीं बैठ रहा ही मत, मेरे को तो देख के ही डर गई मैं तो वापस आ गई। अब ये लोग भी आई है, मैं उन लोग को छोड़ मैं बैठ गई थी, मैंने शोर मचा दिया, मैं कुछ उतार दो। कैसा था? मिस कर दिया चंद सेकंड पे। कैसा था मारिया? अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा तो मैंने कहा बस निकाल दो। ये देखे, ये देखे ऊपर जाएगा, ये ऐसे ऊपर गया, ये उल्टा जाके ये वापस ऐसे आया। ये मैं ना, मैं इसको देख के ही ना डर गई थी, मैंने कहा बस। देख लिया आप लोगों ने भी कितना खतरनाक दिख रहा है, और मैं तो वैसे ही नाजुक, मैं बड़ी मैं नाजुक, मैं सारी राइड तक जाके देख के डर के वापस आई हूँ। मुश्किल से मैंने अभी तक तीन राइड्स लिए। ओके, अब हम यहाँ से फरारी वर्ल्ड से एग्जिट करके जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम लोग? क्लाइंट जा रहे हैं हम लोग इंडोर स्काई ड्राइव के लिए। अम्मी लोग नहीं आ रहे, अम्मी रेस्ट कर लिए, बैठ रही हैं, थक गई हैं वो, तो स्काई ड्राइव करके हम लोग वापस इधर आएंगे, और एक दो राइड लेनी है अम्मी को दिलानी है, तो वो लेके फिर हम घर जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं एक्सिट करके स्काई ड्राइव के लिए, इंडोर स्काई ड्राइव के लिए। तो इंडोर स्काई ड्राइव के लिए हम आ गए हैं क्लाइंब्स में, अब हम अंदर जाएंगे। हम अंदर आ गए, ब्लू ब्लू होगी मैं सारी ब्लू ब्लू। पहले दूर जाए, दूर से पास तो अभी हम जाएंगे इसके अंदर हवा में उड़ने के लिए। So let's quickly review the hand signals. When you see this, what is this? Chin up. Chin up, okay? Always keep your chin up all the time. Right? Relax. Relax. So there's a small door going inside the chamber. All you have to do, put your feet by the door, put your hands up and your chin up and lie on the window, okay? So that I can grab you easily inside. Okay. Going outside, hold the doors on the sides. Hold it tight and try to stand up. It's very important. Don't lose items from your pockets. Jewelries, watches, necklaces, rings, earrings. Okay, hold on. Bracelets as well. You will have two rounds, 1 minute per round. On the second round, if you wish to go higher with your instructor, that's what you call high fly, extra 40 dirhams for that. Extra minutes would be 70. Photos and videos to be sent in your email, extra 40. Okay. Questions? No, thank you. अच्छा, इन्होंने ना कान में कुछ लगाने के लिए दिया, आवाज़ इतनी नहीं आ रही ना।
आवाज सही से इसको खोले नहीं, मेरा तो सांस बंद हो गया अभी से उसके अंदर जाके क्या होगा। सो स्काई डाइव के बाद चेंज करके मैं जा रही हूँ यार, बहुत ठंडी हवा थी, बहुत ठंडी हवा, मुझे ना ठंडी हवा से वैसी एलर्जी है, मेरी गला खराब रहता है, मुझे फ्लू रहता है, बट मज़ा आ रहा हवा में उड़ने का, थोड़ा एक्सपीरियंस आया, लाइक इट्स अमेजिंग। तो आप सब भी कभी मौका मिलता है, आप लोग को चांस मिलता है तो मिस मत करना, इंडोर स्काई डाइव भी बहुत मज़े किया। बाकी वीडियोज़ मैं इंस्टा पे भी शेयर करूँगी, टिकटॉक पे भी, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा हमें मिला ये सर्टिफिकेट। सो हमारा स्काई डाइव यहीं पर ख़त्म हुआ, अब हम जाते हैं फिर से अपने फरारी वर्ल्ड में, ठीक है। अम्मी को लेते हैं, अम्मी के साथ एक दो और राइड करनी है, ठीक है। अब मुझे इसका मिला सर्टिफिकेट विद द नेम ऑफ फरियाद। तो मैं वापस आ गई, अम्मी की बातें सुनी है मैंने, नहीं नहीं बातें सुनी है मैंने, मैं छोड़ के गई थी ना, गुस्सा गुस्सा मकसूद ही किया ना ऐसा। अभी चलते हैं अम्मी के साथ, एक दो राइड लेंगे फिर उसके बाद होटल जाएंगे। फरारी में बैठाने लेकर आ रहे हैं, बैठी हूँ अम्मी के साथ फरारी में, फरारी की सैर करा रही हूँ अम्मी को, ये हमारी फरारी है, बाय। पीछे वाली गाड़ी में आ जाएं आप लोग, ये हमारी फरारी है। कितनी बड़ी है देखा, अंदर पाँव भी सीधे लंबे हो सकते हैं, ऐसी नासी कहते हैं अम्मी नहीं आएगी, अच्छी खासी गाड़ी है बड़ी, आ जाएंगे। अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ ये देखो, मॉस्क भी बनी है, बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने, लाइक पूरी ना एक कॉलोनी जैसा बनाया हुआ है, एक एरिया बनाया हुआ है, और उसमें ना जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं ये ऐसा है, आसपास पहाड़ हैं। कैसा लग रहा है मम्मी आपको फरारी में बैठ के? अच्छी ड्राइवर नहीं हूँ, हमारे वाले पीछे आ भी रहे कि नहीं आ रहे? ये आ गए, क्या कहते हैं इसको, टर्नल कहते हैं, अंधेरा। मेरी फरारी ना आवाजें बहुत कर रही है, फरारी ट्रेन है, हाँ ये ट्रेन की तरह आवाजें कर रही है, स्लो होगी ये, स्लो चले आ जा आराम से,
चल थैंक यू वो लोग भी आ गए सो गाइस फाइनली हमने फरारी वर्ल्ड को बाय बाय बोल दिया हम यहाँ से फ्री होके अब जाएंगे होटल होटल जाके हम डिनर करेंगे डिनर करने के बाद मैंने तो सोना है क्योंकि मैं कल से नहीं सोई और अम्मी भी थक गई है ना अम्मी सब थके हैं सब भी थके हुए हैं क्योंकि चलना इतना पड़ता है चल चल के मेरी तो टांगों में दर्द हो गया मेरा तो जूता टूट गया पता है मेरा जूता टूट गया है देखो दिख रहा है मेरा जूता टूट गया इतना चली हूँ मैं मेरा शूज टूट गया हाँ अभी हम सीधा होटल जाएंगे खाना खाएंगे खाना खाने के बाद स्लीप भाई पूरा दिन थकने के बाद भाई साहब एक और आर यू वर्ल्ड एंड यू नो और कहाँ गए थे आज थके है ना हाँ ज़्यादा फरारी वर्ल्ड गए थे और हम लोग क्या कहते हैं इंडोर स्काई डाइव के बाद हम अभी आए डिनर करने के लिए खाना ऑर्डर करते हैं तो ये है इनका मेन्यू और अभी हम खाना ऑर्डर करेंगे अम्मी से पूछ कर अम्मी बताएं क्या खाएंगे देखें इसमें समझ आएगा आपको ये हमारे आज के डिनर का स्टार्टर ये है दाल तड़का ये है भुना गोश और ये है बिरयानी अच्छा ये और ये ना हमने कल भी खाया था आज भी हमने सेम ऑर्डर किया क्योंकि मज़े का था इसलिए तो मैं आज दाल ट्राई करूँगी बटर नान पहले आप खाना ले आते हो प्लीज गार्लिक नान ओके अब लो ये आ गया हमारा पूरा सारा खाना वेयर प्लेट्स प्लेट्स का प्लेट ही नहीं लाता हूँ पहले लाना और उनका भी रख दिया उधर पता नहीं उनको इतने दूर दूर गरीबों को बिठाया हाँ एक रोटी बटर नान ऐसे ओके तब हम खाना स्टार्ट करते हैं भरी हुई प्लेटें थी हमने खाली कर ली एकदम माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना सेम हमने कल वाले रेस्टोरेंट में खाना खाया कल दाल मखनी थी आज तड़के वाली सो गाइस आज की हमारी वीडियो खत्म होती है यहीं पर मेरे पाँव जो है ना मेरे पाँव बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पाँव के जो नीचे वाला हिस्सा होता है फिंगर्स जब स्टेप ले रही हूँ ना तो इतना दर्द हो रहा है तो खैर आज की हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए दिन के साथ आप अपना ख्याल रखें टेक केयर अल्लाह हाफिज़ लव यू ऑल